पद का दुरुपयोग और देश विरोधी कार्यों के लिए भारतीय ईसाई मंच के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी पादरी हिक्की रविंद्र लाल और उत्तर प्रदेश के प्रभारी को निष्कासित किया गया, जहां इस मामले को लेकर राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आर्थर काकर ने TV24 से खास बातचीत की और बताया कि उन्होंने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए जमीन पर कब्जा करना, धर्मांतरण करना, आरएसएस की विचारधारा के साथ खिलवाड़ करने जैसे काम किए थे, जिसके कारण उन्हें निष्कासित किया गया है। भारतीय ईसाई मंच की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जो इसके संयोजक हैं डॉक्टर आर्थर काकर जी। आज क्या बताने वाले हैं और क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप बात करेंगे, आइए हम बात करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन विषय, जैसे आप लोगों को मालूम है, मैं आप सभी लोगों का स्वागत फिर से दोबारा करता हूं। आज मेन इसका विषय ये रखा गया है कि भारतीय ईसाई मंच 14 राज्य से ऊपर काम कर रहा है और लाखों कार्यकर्ता और लाखों ईसाई समाज के लोग और धर्मगुरु लोग, पास्टर और बिशप लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इसका मेन उद्देश्य जो बनाया गया था भारतीय ईसाई मंच, ये मातृभूमि के साथ जोड़ने के लिए इसको बनाया गया था। और आज ईसाई समाज के लोग जो हैं, आज मातृभूमि के साथ ये लोग जुड़कर काम कर रहे हैं और भारत माता को, भारत माता की जय जयकार करने से अब इनको किसी प्रकार का कोई भी भय और डर अब नहीं है। ये सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और उनके खिलाफ क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी माने योगी जी और माने प्रधानमंत्री जी, इसकी जांच कराए। और एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये रैकेट काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों के द्वारा उनके अकाउंट्स में विदेश से पैसा इनका जाता है और उसका परसेंटेज इनको दिया जाता है, है ना, पैसा इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग धर्मांतरण का काम किया जा रहा है पैसे के माध्यम। जी, पैसों के माध्यम से किया जा रहा, भोली भाली गरीब जनता को ये बलगला के बहका कर ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा भारतीय ईसाई मंच के डॉक्टर आर्थर काकर जी ने बताया, अपनी सारी बातों को बताया, समस्याओं को रखा कि किस तरह से अभी भी देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो पैसे के दम पे भोली भाली जनता को धर्म का परिवर्तन करा रही हैं और लोगों को गलत काम करने को प्रेरित कर रही हैं। मैं लखनऊ से प्रवीण सिंह, TV24 न्यूज़।